काइली जेनर एक सेलिब्रिटी जो कि 9 करोड़ रुपए चार्ज करती है इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालने की। दोस्तों शिवम मलिक जो कि 15 से 20,000 रुपए की बैंक के अंदर एक जॉब करता था और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स डालना शुरू किया और आज वो इंस्टाग्राम से 8 से 10 लाख रुपए अर्न करता है। दोस्तों रिशु राजपूत जो कि 18 साल का लड़का है और इंस्टाग्राम से आज के दिन वो अर्न करता है 8 से 10 लाख रुपए, जिसमें वो इंस्टाग्राम पर ई बुक सेलिंग करता है, एफिलिएट मार्केटिंग करता है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट करता है और साथ में कुछ इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को भी मैनेज करता है जिसके वो चार्जेस लेता है $1,000 से $2,000 तक। तो दोस्तों जब सब इंस्टाग्राम से पैसे कमाने में लगे हैं तो हम इसमें पीछे क्यों हैं? हमें भी इन स्किल्स को सीखना है और यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाना है। तो दोस्तों अर्न इंडिया अर्न की डिटेल्ड वीडियोस के अंदर हमें ये सारी स्किल्स डेमो के साथ सीखने को मिल ही जाएंगी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द अर्न इंडिया अर्न यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक यानी कि इंस्टाग्राम से अर्निंग पर पूरा का पूरा फुल कोर्स मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ गया हूँ, जिसकी पहली वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने तरह से पैसे कमा सकते हो इंस्टाग्राम से। क्योंकि दोस्तों ये बात हमें जानना सबसे जरूरी है, जब हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बात जाननी जरूरी होती है कि हमें कितने तरह से यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों फुल रिसर्च के बाद मैं आपके लिए 15 वेज ऑफ अर्निंग लेकर के आया हूँ इंस्टाग्राम पर। दोस्तों इतने सारे तरीके आपको इंस्टाग्राम की अर्निंग्स रिलेटेड यूट्यूब पर किसी भी वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रिसर्च मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको 15 वेज जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से तरीके से इंस्टाग्राम से पैसा कमाना है या फिर कौन सी अपनी स्किल को डेवलप करना है जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सको इंस्टाग्राम से और इंस्टाग्राम पर ही आप अपना करियर बना सको। दोस्तों जितने भी तरीके मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर उन सब पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि इन सारे तरीकों में से आपको कौन सा बेस्ट लगा और आप किस पर सबसे पहले वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों जिस वे पर ज्यादा कमेंट्स आएंगे सबसे पहले मैं उसी की वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस आपको ऐसी मिलेगी जहां पर मैं आपको पूरा का पूरा अकाउंट बना करके दिखाऊंगा और एक चैलेंज भी लेकर के दिखाऊंगा दोस्तों, एक क्रिएट करके दिखाऊंगा एक पेज को और उसको ग्रो भी करके दिखाऊंगा, साथ साथ में महीने महीने के अंदर मैं आपको उसकी पूरी रिपोर्ट भी देता रहूंगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप अपना निश चुन सकते हो, कौन सा निश आपके लिए परफेक्ट है और आप अपनी ऑडियंस को कैसे फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सबसे पहले चलते हैं अपने सबसे पहले अर्निंग वे पर, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे ज्यादा आपको पैसे कमा करके दे सकता है, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों जिन व्यूअर्स को नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है तो मैं उनको आसान भाषा के अंदर ये समझाना चाहूंगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अमेज़न पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और आपको वो बाय करने हैं। अब मान लीजिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे दूं, अपना एफिलिएट लिंक, जिससे आप जाकर के उस प्रोडक्ट को बाय कर लो, तो दोस्तों उससे मेरी एफिलिएट इनकम हो जाएगी। यानी कि दोस्तों कमीशन का काम ही एफिलिएट मार्केटिंग होता है, यानी कि दोस्तों एफिलिएट एक थर्ड पार्टी होता है जो कि एक बायर और एक सेलर के बीच में रहकर काम करता है। दोस्तों हजारों लोग इंस्टाग्राम पर लाखों रुपए कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग करके। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों जब आप इनकी वेबसाइट पर जाकर साइन अप करोगे तो उसके बाद ये अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के लिंक्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उनको आप शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो दोस्तों वहां पर आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो आपके एफिलिएट लिंक से जाकर के अगर उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं तो बदले में आपको कमीशन मिलेगा। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर अच्छा कंटेंट दोगे किसी भी निश के अंदर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डालोगे तो गाइज अच्छी खासी सेल्स आती है। गाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से एफिलिएट मार्केटिंग करके। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं इसकी डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा और पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा डेमो आपको करके दिखाऊंगा एक अकाउंट को क्रिएट करके और उसके बाद उस पर कैसे आपको एफिलिएट लिंक्स को लगाना है और उसके बाद कैसे उनको सेल्स करने की स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी वो भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों जो कि हमारा सेकंड आइडिया मोस्ट पॉपुलर है वो है स्पॉन्सरशिप, जिससे कि शिवम मलिक आज 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा है, अर्न कर रहा है इंस्टाग्राम से। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स की जरूरत है। अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स है ना दोस्तों, अगर आपको 10,000 फॉलोअर्स है तो आपको 5,000 से लेकर 35,000 रुपए तक की एक पोस्ट डालने के पैसे मिल सकते हैं। अगर आपके 50,000 से लेकर के 1,00,000 फॉलोअर्स है तो दोस्तों आपको 25,000 से 1,00,000 रुपए तक की आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। और दोस्तों अगर आपके फॉलोअर्स मिलियंस के अंदर चले जाएंगे तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अब दोस्तों आपको किस निश के अंदर कैसे पैसा कमाना है इसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, क्योंकि ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पॉन्सरशिप। इसके लिए भी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस निश के अंदर कितना पैसा है और दोस्तों कौन से निश आपके लिए परफेक्ट रहेगी स्पॉन्सरशिप के लिए और साथ में दोस्तों इजीली कौन सी कंपनीज आपको अप्रोच
करेंगी स्पॉन्सरशिप के लिए। तो दोस्तों स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड आपको इंस्टेंट अगली वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड ही बना सकूं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा आइडिया है वो हमारा फोटोग्राफ सेलिंग। अब इसके अंदर आपको दोस्तों फोटोग्राफ सेल करनी होती है। अगर आप चाहो तो अपने कैमरे से या फिर अपने फोन से फोटोज क्लिक कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हो और उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर सकते हो विद वॉटरमार्क और उनके प्राइजेस आप वहां पर शो कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन फोटोग्राफ्स को बाय करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी जहां पर फोटोग्राफ सेल होते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट बनाकर इस काम को स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी ट्रैफिक की। तो दोस्तों ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ इंस्टाग्राम पर सोल्व हो जाएगी क्योंकि इंस्टाग्राम आपको खुद से ट्रैफिक ला करके देगा। और अगर आपके पास ट्रैफिक आएगा तो दोस्तों आपकी जो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हो सकती है। जैसे कि जितनी सेलिंग आप इन प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हो उससे ज्यादा सेलिंग आपकी इंस्टाग्राम पर हो जाएगी। दोस्तों इस कोर्स के अंदर आपको इससे रिलेटेड भी पूरी डेमो के साथ वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आपको अगली ही वीडियो चाहिए तो इसको भी आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो फोर्थ आइडिया है वो है क्रॉस प्रमोशन या फिर बार्टर कोलैबोरेशन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि दो इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो यानी कि मान के चलिए दोस्तों कि आपकी पोस्ट को कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करेगा या फिर आप उसकी पोस्ट को शेयर करोगे तो उसकी जो ऑडियंस है वो आपके पर आ जाएगी और आपकी ऑडियंस जो है उस पर चली जाएगी। तो दोस्तों इस आइडिया के अंदर बहुत सारे तरीकों से दो इन्फ्लुएंसर के बीच डील होती है जिसको मैं इसकी डिटेल वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया कि ये भी एक तरीका है जहां से आप अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों जब आपकी ऑडियंस ग्रो हो जाएगी तो उसके बाद ये कोलैब करने के आप पैसे भी ले सकते हो दूसरे इन्फ्लुएंसर से। तो दोस्तों जो हमारा फिफ्थ आइडिया है उसके अंदर आप कोर्सेज बना सकते हो, अपने निश से रिलेटेड कोर्स बना सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर एक पहले से सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन चुके हो यानी कि आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है। तो दोस्तों आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस होगी तो आप ऐसे भी कोर्सेज तैयार कर सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आप अपने इंस्टा पेजेस को कैसे ग्रो करें। और दोस्तों कोर्सेज भी है ना अच्छे खासे सेल होते हैं क्योंकि दोस्तों एक तो आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा पहले से अपनी आपकी ऑडियंस को क्योंकि आपने अपना चैनल जो है ग्रो करके दिखाया है और आपके कोर्सेज भी अच्छे खासे बिकेंगे दोस्तों अगर आप रियल कंटेंट जेन्युइन कंटेंट अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हो तो। दोस्तों हमारा सिक्स्थ आइडिया है इंस्टा पेज क्रिएटर। दोस्तों आप इंस्टा पेजेस को क्रिएट करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंस्टाग्राम पर पेजेस बनाना नहीं आता है तो आप उनके लिए पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हो, फेसबुक पर कर सकते हो आप अपनी मार्केटिंग या फिर आप यूट्यूब पर कर सकते हो या फिर आप दोस्तों आपके इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे व्यूअर्स जब बढ़ जाएंगे तो उस टाइम पर भी आप अपने फॉलोअर्स को ये ऑफर दे सकते हो। उसके लिए दोस्तों अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप अपने चार्जेस थोड़े से कम रखना ताकि आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ जाए और साथ में आपके ऊपर भी ज्यादा ट्रस्ट करने वाले लोग बढ़ जाए क्योंकि जब आप उनका अकाउंट बनाओगे तो दोस्तों कल को मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी वो आपको ही देंगे। तो दोस्तों हमारा जो सेवंथ आइडिया है वो है सेल योर इंस्टाग्राम पेजेस। दोस्तों अगर आपको पेजेस को बनाना आ गया है अच्छे से, उसको आपको ग्रो करना आ गया है तो उसके बाद आपको उसको सेल करना भी आ जाएगा क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम ही ये करते हैं, वो कुछ इंस्टाग्राम पर पेजेस को क्रिएट करते हैं। अब वो चाहे वो शायरी की पेजेस बनाते हो या फिर वो हेल्थ से रिलेटेड बनाते हो या फिर आप वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बनाते हो, जब उस पे अच्छे खासे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं दोस्तों 10,000, 20,000, 50,000 फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो वो उसको सेल कर देते हैं अच्छे खासे अमाउंट पर। दोस्तों इसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है यानी कि आप मान के चलिए दोस्तों 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक भी आपको आराम से मिल जाता है। और जब आपको ये काम आ जाएगा तो दोस्तों आप महीने में पता नहीं कितने कितने पेजेस को ग्रो कर दोगे। दोस्तों काम वही मुश्किल लगता है जब तक वो आपको आता नहीं है। अगर आप उस पर कंटिन्यूअसली काम करते रहते हो तो दोस्तों कोई मुश्किल नहीं होता। अगर आप उस पर कंटिन्यूअसली काम करते हो दोस्तों, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो दोस्तों आप एक्सपर्ट एक ना एक दिन बन ही जाओगे। दोस्तों सबका दिमाग अलग होता है, कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है भाई, सबको यहीं पर आके स्किल्स को सीखना पड़ता है, सब कुछ यहीं पर सीखना पड़ता है, चलना दौड़ना खाना पीना सब कुछ यहीं पे सीखना पड़ता है। तो दोस्तों आप भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों अर्न इंडिया अर्न चैनल का एक रूल है कि यहाँ पर आपको जो भी मिलेगा ना वो फुल मिलेगा यानी कि जब भरा हुआ मिलेगा आपको उसमें, उसके बाद आपको कहीं पर भी कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों इंस्टाग्राम का फुल कोर्स करने के लिए रेडी रहो। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले आइडिया पर जो कि है इंस्टा अकाउंट मैनेजर। यानी कि दोस्तों जब आपको ये पूरा प्रोसेस आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे फॉलोअर्स को बढ़ाना होता है यहाँ पर मेरे पूरे कोर्स को करने के बाद, तो दोस्तों
सबसे पहले आप अपने चैनल को ग्रो करोगे और उसके बाद आप ऋषि राजपूत की तरह ही $1,000 $2,000 तक चार्ज कर पाओगे दूसरे लोगों को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों इतने पैसे कम नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आप मान के चलो आपने अपने काम के अंदर अपने निश के अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है तो दोस्तों आप दूसरों के अकाउंट को मैनेज करने के लिए आप कितने भी चार्जेस कर सकते हो। लोग खुशी खुशी पैसे देते हैं दोस्तों। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो होते हैं, बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं दोस्तों, वो तो खुद से कोई भी अकाउंट अपना मैनेज करते ही नहीं है, है ना। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने अकाउंट्स को मैनेज करवाते हैं, करते नहीं है, और उसके लिए अच्छे खासे पैसे देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है इंस्टा अकाउंट प्रमोशन। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स है तो आपका जो कद है वो काफी बड़ा हो चुका है, तो दोस्तों जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना वो आपको पे करेंगे उनके अकाउंट के प्रमोशन के लिए। और अगर आप उनके अकाउंट को प्रमोट करने के लिए कोई रील डाल देते हो या फिर कोई पोस्ट डाल देते हो या फिर आप कुछ और तरीके से आप उनके अकाउंट को प्रमोट कर देते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है वहां से। दोस्तों अगर आपको महीने में 5 से 7 ऐसे प्रमोशन भी मिल जाए ना तो आपको 50 से 60 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं है मिलना। या फिर मैं आपको एक आइडिया दूं दोस्तों एक निश का, तो वो ये हो सकता है कि जैसे पॉडकास्ट चल रहे हैं ना दोस्तों, जो फेमस यूट्यूबर्स हैं जैसे अपने सतीश कुशवाहा भाई हैं वो भी पॉडकास्ट करते हैं, और संदीप महेश्वरी सर तो दोस्तों पूरे इंटरव्यूज ही करते हैं सक्सेसफुल यूट्यूबर्स के। तो आप भी इंस्टाग्राम पर दोस्तों रील्स डाल सकते हो, जितने भी सक्सेस स्टोरीज है या फिर जितने भी सक्सेसफुल पेजेस है उनसे रिलेटेड आप रील्स डाल सकते हो। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारी टारगेटेड ऑडियंस मिल जाएंगी जिससे कि आप बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हो पैसे। जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स है ना उनसे आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हो और आपको उसमें दूसरी चीजों में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आपकी ऑडियंस किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड होती है ना तो आपको ज्यादा पैसा कमाने को मिलता है। तो दोस्तों हमारा जो 10th आइडिया है वो है क्रिएट ओन प्रोडक्ट। यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पूरा स्टोर बना सकते हो, वहां पर आप अपना एक क्लोथिंग से रिलेटेड स्टोर बना सकते हो या फिर हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स का आप स्टोर बना सकते हो या फिर आप जो डेली यूज की चीजें होती है दोस्तों उसका एक स्टोर बना सकते हो या फिर आप बहुत सारी कैटेगरीज होती है दोस्तों जिससे रिलेटेड आप अपना स्टोर बना सकते हो या फिर दोस्तों सबसे जबरदस्त जो स्टोर बन सकता है वो बन सकता है आपका प्रिंट ऑन डिमांड यानी कि पीओडी से रिलेटेड। दोस्तों मैंने 3 से 4 वीडियोस बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है दोस्तों तो आप जरूर देखो क्योंकि वो बहुत जबरदस्त आइडिया है और उसको आप इंस्टाग्राम पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहां से भी आप उसकी अच्छी खासी सेल पा सकते हो। तो दोस्तों पीओडी क्या होता है, प्रिंट ऑन डिमांड होता है, यानी कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना दोस्तों वो प्लेन प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे Etsy.com है, जैसे Redbubble.com है दोस्तों, ये आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है और उस पर जो डिजाइनिंग होती है ना दोस्तों उस पर वो डिजाइनिंग बनाने का काम आपका होता है। तो वो पूरा का पूरा डिजाइनिंग बनाने का प्रोसेस और इन वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाने का प्रोसेस और साथ में कैसे उसको सेल आउट करना है आपको, ये पूरा प्रोसेस मैंने इन वीडियोस के अंदर समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। और इसकी मार्केटिंग दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, बहुत अच्छे से इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलिंग होने के चांसेस होते हैं और जितने भी लोग कर रहे हैं दोस्तों इंडियंस जो कर रहे हैं इन वेबसाइट पर काम वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और उनकी सेलिंग जो है ना वो मैक्सिमम सेलिंग जो आती है उनकी दोस्तों वो इंस्टाग्राम से या फिर पिनइंटरेस्ट से आती है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप ये वीडियो जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों वहां से। तो दोस्तों हमारा जो 11th आइडिया है वो है ई बुक सेलिंग का। दोस्तों बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पर ई बुक सेल कर रहे हैं या फिर वो ई बुक्स की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे लोग यहाँ पर ई बुक सेल कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों कि बहुत सारी ई बुक सेल हो रही है इंस्टाग्राम पर, यानी कि ऐसा कस्टमर इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है जो कि ई बुक्स को बाय कर रहा है। तो दोस्तों जब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जब दूसरे लोग उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं उठा सकते। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको किन ई बुक्स को सेल करना है यहाँ पर, या आपको खुद से ई बुक्स बनानी है तो कैसे बनानी है, और जो दूसरों की ई-बुक्स है उनको आप कैसे सेल कर सकते हो। अब मान लो आप वेट लॉस से रिलेटेड एक ई-बुक यहाँ पर सेल करना चाहते हो तो दोस्तों इसकी बहुत बड़ी ऑडियंस है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑडियंस है जो आपकी यहाँ से ई-बुक्स को बाय कर सकती है, अगर आपका जो पेज इंस्टाग्राम पर है वो अच्छी खासी वैल्यू दे रहा तो, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर ई-बुक को सेल कर सकते हो। तो हमारा जो दोस्तों 12th आइडिया है वो है रेफर एंड अर्न का। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर वो अपना एक हमेशा साइन अप लिंक देते हैं, यानी कि दोस्तों जब आप उस वेबसाइट पर जाकर साइन अप करते हो ना तो दोस्तों उसमें कुछ रिवार्ड्स उन लोगों को मिलते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हो दोस्तों, जिसमें आपको मैं बहुत सारी वेबसाइट्स जो आप देख सकते हो इनको रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा सकते हो यहाँ से, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और हर तरह के लोग यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आपके निश के अंदर जितने भी रेफर एंड अर्न के अंदर पैसा कमाने का मौका देते हैं एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट्स, तो आप उनको फाइंड कीजिए और उनके ऊपर दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम पेज पर रील्स या फिर पोस्ट डाल के पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा 13th आइडिया है वो है इंस्टाग्राम रील बोनस।
यानी कि आपको रील्स बनाने के बदले में आपको इंस्टाग्राम बोनस देगा। दोस्तों अभी ये ऑप्शन जो है ना इंस्टाग्राम पर कम क्रिएटर्स को मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों ये ऑप्शन जो है सभी को मिलेगा। और जैसे गूगल एडसेंस के जरिए आप यूट्यूब पर पैसा कमाते हो दोस्तों, वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पर भी एड चला करके पैसे कमाने को मिलेंगे। दोस्तों जब ये फैसिलिटी इंस्टाग्राम पर आ जाएगी ना, तब आप देखना कि कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पर जाकर के पेजेस बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों उस टाइम के कंपटीशन से बचने के लिए आप आज से ही स्टार्ट कर दो इंस्टाग्राम पर पेज बनाना अपना, और उसको ग्रो कैसे करना है ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आप इस चैनल से आप सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि दोस्तों आपको सक्सेसफुल करना ही इस चैनल का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो दोस्तों हमारा जो 14th आइडिया है वो है URL शॉर्टनर। दोस्तों बहुत ही नई ट्रिक है ये, आपको अभी तक इससे रिलेटेड बहुत ही कम वीडियोस देखने को मिलेगी YouTube पर, क्योंकि इसका Instagram से लिंक अब तक किसी ने भी करके नहीं दिखाया है। तो दोस्तों URL शॉर्टनर को जानने के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि URL शॉर्टनर से आप कैसे पैसा कमा सकते हो। दोस्तों इससे रिलेटेड भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप जाकर अपने Instagram की पेजेस की जो पोस्ट है ना उनके लिंक्स बना करके और उनको शेयर कर सकते हो। और दोस्तों जब आपके लिंक से लोग आपके पोस्ट तक आएंगे तो उसके बीच में उनको ना 2-3 एड्स देखने को मिलेंगे, और उन एड्स को देखने का जो पैसा मिलेगा ना वो आपको मिलेगा। यानी कि दोस्तों जब YouTube पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो एड्स आते हैं ना, वैसे ही कुछ एड्स आपके उन पोस्ट तक जाने के लिए बीच में आएंगे और उनके पैसे आपको मिलेंगे। तो ये काफी नई ट्रिक है दोस्तों, इसको आजमाना जरूर, और इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए डिटेल्ड वीडियो, तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इसकी भी तैयारी करना स्टार्ट कर दूं आपके लिए, और एक डिटेल्ड वीडियो और बिल्कुल डेमो के साथ वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट अर्निंग आइडिया है ना, जो कि 15th आइडिया है, वो है आप वायरल हो जाओ इंस्टाग्राम पर जाकर के। आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को बहुत पसंद आए, जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, मोटिवेशन से रिलेटेड है, या फिर वो बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कंटेंट बनाओगे, पैसा कमाने के लिए मत जाओ इंस्टाग्राम पर, आप सिर्फ जाओ वहां पर फेमस होने के लिए। अगर आप फेमस हो गए तो दोस्तों आपके पास पैसा ही पैसा होगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटजी को किसी ने भी नहीं अपनाया, सिर्फ एक बंदे को मैंने देखा है जो कि है शिवम मलिक। आप उसकी वीडियोस को देखिए, आप उसकी सबसे पहली वाली वीडियोस को देखिए। दोस्तों उसने ये स्ट्रेटजी को अपनाया कि उसको फेमस होना था, उसको पैसा नहीं कमाना था, और आज वो दोस्तों 1.5 करोड़ रुपया कमाया उसने पिछले एक साल के अंदर। लेकिन दोस्तों इस कैटेगरी में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या, पैसा चाहिए आपको, फेम चाहिए आपको, क्या चाहिए। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी सिलेक्ट करोगे आने वाले टाइम में उसको पूरी लगन से करना, मेहनत से करना। दोस्तों जब आप पूरी लगन से मेहनत से करोगे ना, बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आएगी और उनको आप सोल्व करते जाओगे, लास्ट में आपको बहुत कुछ बड़ा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों वो आएगी आपको कैसे अपने निश को सिलेक्ट करना है, कौन सा निश आपके लिए परफेक्ट रहेगा, इसके लिए मैं पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी बनाकर के लेके आऊंगा दोस्तों आपके लिए, और उस स्ट्रेटजी को दोस्तों आप अपने ऊपर अप्लाई करना, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप किस काम के लिए, किस निश के लिए बने हो। और दोस्तों इस कोर्स को पूरा करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पास एक भी क्वारी नहीं रहेगी इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर जाकर के 2-3 वीडियोस देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये चैनल कितना जेन्युइन है और कितना जेन्युइन कंटेंट को यहाँ पर बनाया जाता है और आपको परोसा जाता है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम के इस सफर में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके जितनी भी क्वारीज है उन सब का जवाब दूंगा। दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और वहां पर भी आप मुझसे अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।